हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सबको पता है सीबीएसई ऑल इंडिया बेसिस पे साइंस एग्जीबिशन फॉर द ईयर 2022 एंड 23 के लिए ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हो या कोई भी आपके नेबर में सराउंडिंग में साइंस के लिए इंटरेस्टेड है और कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो आप पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हो और बहुत सारा गोल्ड मेडल या कुछ भी जीतना चाहते हो, देन देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड योर फ्रेंड सर्कल्स एंड कोई भी हो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, ये साइंस एग्जीबिशन होगा क्या, कौन रजिस्ट्रेशन करेगा, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगा, थीम क्या होगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये साइंस एग्जीबिशन किस कैटेगरी में होगा एंड कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये दो कैटेगरी इसको मैनेज किया जाएगा, यानी अरेंज किया जाएगा, कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू। कैटेगरी वन में दोस्तों जूनियर सेक्शन होंगे जिसमें 6th क्लास से लेके 8th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप 6 से 8 हो देन आप इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना। देन दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी 2 में जिसमें 9th 11th और 12th के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, दो कैटेगरी में आप जिस भी क्लास में हो उसी हिसाब से पार्टिसिपेट करना। बात करते हैं कि इसका जो फी स्ट्रक्चर होगा कितना होगा। दोस्तों इसका जो फी स्ट्रक्चर होगा 1500 रुपीज पर टीम होगा, ना किसी भी इंडियन स्कूल के लिए, बट अगर फॉरेनर स्कूल है देन उनके लिए होगा 3000 रुपीज पर टीम। दैट मीन्स आप एक टीम होके या इंडिविजुअल होके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी पार्टिसिपेट, हाउ कैन वी रजिस्टर, उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। दोस्तों इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर स्कूल, दे विल रजिस्टर। दैट मीन्स आप अपने स्कूल में जाके बोल सकते हैं कि मैं सीबीएसई के साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, देन वो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करा देंगे। आपको बस स्कूल में बोलना है। याद रखना एक ही स्कूल से दो टीम से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम टू टीम कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम वन सिंगल स्कूल। तो इसलिए आप भी अगर साइंस एग्जीबिशन में जाना चाहते हो तो टीम सिलेक्ट करिए पहले, देन रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन फीस मैं पहले से ही बता चुका हूं और ये स्कूल वाले करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों ये है कि हम इसके लिए थीम क्या दिया जाएगा, क्या थीम कोई प्रोवाइड किया गया है। यस, थीम प्रोवाइड किया गया है। तो थीम है टेक्नोलॉजी एंड टॉयज, इसके अंदर सब थीम्स है उसको आप देख सकते हो। एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली मटेरियल्स, हेल्थ एंड क्लीनिनेस, ट्रांसपोर्ट एंड इनोवेशंस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट विद करंट इनोवेशंस एंड लास्ट वन इज मैथमेटिक्स फॉर अस। दोस्तों ये सारे थीम्स है और सब थीम्स है जिसके वजह से आप इसी बेसिस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कुछ गाइडलाइंस है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वो गाइडलाइन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक बार सब थीम आपने सिलेक्ट कर लिया और रजिस्ट्रेशन में डाल दिया, वो थीम कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो बिफोर सिलेक्शन ऑफ योर थीम एंड रजिस्ट्रेशन थिंक ट्वाइस, आप उसके बारे में सोचिए, उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन करना। एंड दोस्तों और एक बात बताता हूँ, जो भी आपका मेंबर होंगे और आपका साइंस टीचर तो एक ही होते हैं, जो भी आप मेंबर होंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया किसी के नाम पे, वो मेंबर कभी भी बाद में चेंज नहीं होंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी सोच रहे हो हम चेंज करेंगे तो चेंज बाद में नहीं हो सकता है। दोस्तों ये था सीबीएसई के क्विज के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों अकॉर्डिंग टू सीबीएसई द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज 17 अक्टूबर 2022 एंड जो फी पेमेंट है उसका लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2022। दैट मीन 17 अक्टूबर तक आप लास्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड जो फी पेमेंट होगा दोस्तों वो आप 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं। एंड इसका जो साइंस एग्जीबिशन जो कमेंसमेंट होने वाला है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।